This call is now being recorded. Good morning, ma'am. No need of good morning. Hundreds and thousands of time I have told you. Bas chup chup silent namaste. No need to do good morning, ma'am. Okay. I welcome you to today's class on 23rd of July. Today in the EVS class. पिछली क्लास में हमने आपको फूड के बारे में बताया था. फूड के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि हम लोग खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए. कई बच्चों ने भी मेरी हेल्प करी थी कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं. हम लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह पाए, ताकि हमारे बॉडी में एनर्जी रह पाए. फिर हमारा क्वेश्चन हमने पूछा था, क्या हम एक ही तरह का खाना खाते हैं? बच्चों ने बोला नहीं, हम सब अलग, सबके घर में अलग अलग तरह का खाना बनता है, सब लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. क्या हम एक ही तरह की सब्जी खाते हैं? नहीं, हम अलग अलग तरह की सब्जियां खाते हैं. उसके साथ साथ हम फ्रूट्स खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी. दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, ये सब चीजें हमारे खाने से रिलेटेड है. इसके अलावा बेटा, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आज उसके आगे हम लोग आपको करवाएंगे, तो वो है सबसे पहले कि फूड जो होते हैं वो तरह तरह के होते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आर देयर, अलग अलग तरह के फूड होते हैं. उसमें पहले, सबसे पहले आपके यहाँ पे है बॉडी बिल्डिंग फूड, ऐसे फूड जो हमारी बॉडी बनाते हैं. लुक इन योर बुक, सब लोग अपने अपने बुक में देखिए, पिक्चर दे रखी है बॉडी बिल्डिंग फूड. बुक में देखो, हेल्प अस टू बिल्ड अवर बॉडी, मिल्क, फिश, मीट, एग, पल्सेस, ये सारी चीजें हमारी क्या बनाती है? बॉडी बनाती है. अगर इनको हम खाएंगे, आप देखना ज्यादातर पहलवान लोग इनको खाते हैं. क्यों खाते हैं? क्योंकि पहलवान लोगों को क्या बनानी होती है? अपनी आरुष दिखा रहा है ऐसे करके, अपनी बॉडी बनानी होती है. यस, तो दूसरी तरह का फूड होता है बेटा एनर्जी गिविंग फूड. अब एनर्जी क्या होती है? जो फूड को खाने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, एकदम लगता है कि हाँ हमारे अंदर एनर्जी आ गई, वो फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. नीचे देखिए बुक में, आरुष लुक इन योर बुक, बुक में देखो पिक्चर दे रखा है, अनमोल ऑल्सो. एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं? शुगर, अगर आपको कभी चक्कर आ रहा है, एकदम से कमजोरी महसूस हो रही है, तो मम्मी क्या बोलती है? बेटा एक चम्मच शक्कर खा लो, नहीं तो आपको पानी में घोल के शक्कर पिला दी जाती है. एग्जाम में आप अगर ग्राउंड पे आप खेल रहे हो और चक्कर आ जाएगा, तो आपकी मम्मा क्या करती है, थोड़ा सा शक्कर खा लो, है ना. उससे क्या होगा आपको कि आपको क्या होगा कि आपको एकदम एनर्जी आ जाती है. तो वो एनर्जी देने वाली चीजें कौन कौन सी है? शुगर. शुगर मतलब शक्कर, मतलब ये नहीं है हमें हर वक्त शक्कर खाना है, ज्यादा शक्कर खाने से भी हम बीमार पड़ जाएंगे. राइस, चावल, दाल, पोटैटो एंड ब्रेड, ये चीजें खाने से आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. इससे पहले हमने देखा था कि कुछ चीजें थी वो खाने से हमारी बॉडी बनती है. ठीक है, अब आगे आ जाते हैं. हमें श्रेयांश बताएगा. श्रेयांश, यस मैम. हमें एक दिन भर में लगभग कितना पानी पीना चाहिए? एक ग्लास, दो ग्लास, दस ग्लास, बीस ग्लास? एक ग्लास मैम. एक ग्लास. एक एक एक. वेरी गुड श्रेयांश, के लिए तालियां. उसका जवाब सही है. कोई लोग एट ग्लास नहीं पी सकते, तो आपको 6 to 8 के बीच में ग्लासेस पानी पीना चाहिए पूरे दिन में, 6 से लेकर 8 ग्लासेस तक. अब आप देखना कि आप कितना पानी पी पाते हो. सुबह उठ के आपको पानी पीना है, फिर उसके बाद फिर 1 घंटे बाद फिर पानी पीना है, फिर जब आप नाश्ता करते हो तो पानी पीना है, फिर बीच में पानी पीना है, फिर आप खाना खाते हो तो पानी पीना है, फिर सो जाते हो, पढ़ाई करते हो, उसके बीच में पानी पीना है, फिर आप रात को खाना खाते हो, दूध पीते हो, फिर पानी पीना है. ऐसे करके आपको पूरे दिन में 6 to 8 ग्लासेस पानी पीना चाहिए. शावस्ती, yes, ma'am. एक दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए हमें? 6 to 8 ग्लास. वेरी गुड, वेरी गुड शावस्ती. 6 to 8 ग्लासेस. 6 to 8 ज्यादा हो गए ना, तो ग्लास की जगह हम बोलेंगे ग्लासेस. ओके, उसके बाद आता है मिल्क. क्या आपके पेरेंट्स,
आपको दूध पीने के लिए फोर्स करते हैं, दूध पी ले बेटा, दूध पी ले बेटा, दूध पी ले बेटा, या आपको आपके पेरेंट्स ऐसे परेशान करते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ तो अपने दोनों हाथ उठाइए ऐसे जैसे मैडम ने उठा रखे हैं। किस किस के पेरेंट्स ने उसको परेशान करके रखा है? अरे दूध पी ले, दूध पी ले, दूध पी ले, दिन भर दूध पी ले बोलते रहते हैं। यस, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। और आपको आपके पेरेंट्स पे गुस्सा भी आता है, लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ वो बात सुन के आपको पेरेंट्स पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। देखो हमारी बुक में क्या लिखा है कि डू यू नो व्हाई इज मिल्क कॉल्ड कंप्लीट फूड। मिल्क जो होता है वो कंप्लीट फूड होता है। आप खाली दूध पीते हो और खाना नहीं खाते हो तब भी आप जिंदा रह सकते हो, मरोगे नहीं। मैं भी नहीं मरूंगी, खाली दूध पीऊंगी, रोटी सब्जी दाल चावल कुछ भी नहीं खाऊं, खाली मैं दूध पीऊं तो भी मैं जिंदा रह सकती हूँ, क्योंकि दूध के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। दूध हमें ताकत देता है, दूध हमारी हड्डियां बनाता है। हड्डियां, ये जो हमारी चमड़ी है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हड्डी है। देखो ये देखो हड्डी, ये देखो मेरी सारी हड्डियां दिख रही है ऐसे, ये देखो हड्डियां, ये सब बोन्स, ये सब आपके हाथ लगाओ हड्डियों को दबाओ, हाँ ऐसे आप फील कर रहे हो टाइट टाइट, ये सब अपने बोन्स है। इन सबको बोन्स बोलते हैं, BONES, बोन्स का मतलब हड्डियां। आप इंग्लिश में बोलेंगे बोन्स, सब लोग बिना माइक ऑन के बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोन्स, बोलो बोन्स। यस, बोन्स का मतलब हड्डियां। तो हमें दूध इसलिए पीना चाहिए, आप कोई भी बच्चा अपने पापा मम्मी पे गुस्सा नहीं करेगा जब वो उसको दूध पीने को बोलेंगे, क्योंकि दूध मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। आपको मिल्क में बहुत ताकत मिलती है, बहुत आपकी बॉडी अच्छी बन जाती है, आप बार बार बीमार भी नहीं पड़ते हो। इसलिए सारे बच्चे अपने घर पे क्या करेंगे? दूध पिएंगे। कौन कौन पिएगा? चोबी को समझा? वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं पसंद है तो भी पीना है, मायरा नहीं पिएगी, मायरा ने थम्स अप नहीं किया है। हाँ सबको पीना है, ठीक है। रिया मीना नहीं पिएगी, पिएगी। सबको दूध पीना है, दूध पीने से हमारा दिमाग भी तेज चलेगा, और जब दिमाग तेज चलेगा तो हम अच्छे अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अच्छे अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। चलिए अच्छा एक बात और, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, हम जो खाना खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं अनमोल, हम जो खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है बेटा? ज्यादातर खाना हमें कहाँ से मिलता है? कहाँ से? से प्लांट्स से, उनको बोलते हैं प्लांट्स एंड ट्रीज। वेरी गुड। अब मनीषा बताएगी, मनीषा प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? एप्पल। वेरी गुड। और बनाना। शाबाश। ओके मनीषा, अब शिवांश राज बताएंगे। शिवांश राज, एप्पल और बनाना के अलावा हमें प्लांट से क्या मिलता है? शिवांश राज, शिवांश राज माइक ऑन करो। शिवांश राज हाँ शिवांश बताओ, एप्पल और बनाना के अलावा हमें पेड़ों से क्या मिलता है? शिवांश मम्मी को नहीं देखो, आपने कभी पेड़ देखा नहीं क्या? पेड़ के ऊपर क्या क्या लगता है? यस, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना मैम, तो बोलो जोर से, जोर से बोलो। अरे फ्रूट्स कौन से भाई, फ्रूट्स का नाम भी तो होता है, जैसे मनीषा ने बताया एप्पल बनाना। कौन कौन से फ्रूट्स खाते हैं बताओ मैम, तो बताओ ना। हाँ जोर जोर से बोलो, बहुत जोर से बोलो। हाँ हमारे पास, हमारा टाइम वेस्ट होता है, आप इतनी देर लगाओगे जवाब देने में, फटाफट जवाब देना है। आरुष। यस मैम।
दो वेजिटेबल्स के नाम बताओ। कैप्सिकम ऑनियन। कैप्सिकम ऑनियन, वेरी गुड वेरी गुड आरुष। ठीक है शिवांश, ऐसे फटाफट जवाब देना है। ओके चलिए श्रावस्ती। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलावा हमें और क्या मिलता है प्लांट से? एनर्जी गिविंग फूड। नाम बताओ, चीजों के नाम बताओ। राइस। राइस, वेरी गुड। दाल। हाँ वेरी गुड। ओके सावित्री, थैंक यू, वेरी गुड। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलावा हमें दाल, चावल, गेहूं, मक्का, भुट्टा, ये सब किससे मिलता है? प्लांट्स और ट्रीज से मिलता है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स भी लगाने चाहिए। किसान लोग लगाते हैं, फिर हम घर में गेहूं लाते हैं, उसको साफ करके पिसवाते हैं, फिर उसके आटे की मम्मी आपको रोज रोटी बना के खिलाती है, और जब सर्दी आती है तो मम्मी आपको मक्का की रोटी भी खिलाती है। ओके, तो कुछ फूड तो हमें प्लांट से मिलता है, लेकिन कुछ फूड हमें एनिमल से भी मिलता है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जैसे कि मीट, चिकन, एग, फिश, मिल्क, ये सब चीजें हमें किससे मिलती है? एनिमल्स से। अंशिका, अंशिका अंशिका, जब मैडम आपका नाम ले तो हंसना नहीं है, माइक ऑन करके यस मैडम बोलना है। अंशिका, 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 इतना देर लगता है क्या माइक ऑन करने में? छत पे जाके घूम के आ जाऊं मैं इतनी देर में? चलिए एनीवेज, दूसरे बच्चे से पूछते हैं। आज तो सूफिया बानू भी आ गई, क्या बात है। चलिए सूफिया, सूफिया शाबाश, वेलकम टू द क्लास। ओके, तो कुछ कुछ खाने की चीजें हमें प्लांट और ट्री से मिलती है, और बाकी चीजें हमें एनिमल से भी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो बेटा दिन भर में खाना खाते हैं, है ना, तो आप जो सुबह सुबह खाना खाते हो, दिव्या सैनी। यस मैम। एक मिनट अटेंडेंस का देख लेती हूं मैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके
चलिए तो मैं आपको बता रही थी कि कुछ फूड वो होते हैं प्लांट और एनिमल से, प्लांट से मिलते हैं, कुछ ट्री से मिलते हैं और कुछ फूड हमें मिलते हैं। दिव्या सैनी को मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया। दिव्या सैनी मैम, वो पहले के प्रॉब्लम हुई थी इसलिए माइक ऑन नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, अब आप ऑफ कर दीजिए। मैं समझ गई थी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ दिव्या बेटा, सुबह सुबह जो आप खाना खाते हो घर पे उसको क्या बोलते हैं, क्या आपको पता है? किसी को पता है तो वो हाथ खड़ा कर सकता है। और आरुष तुम एक बैठ जाओ, तुम सब लेके घूम रहे हो कैमरा लेके। ब्रेकफास्ट, वेरी गुड दिव्या, ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह हम जो खाना खाते हैं, नाश्ता करते घर पे, नाश्ता उसको खाना नहीं बोलेंगे। सुबह सुबह मॉर्निंग में जो हम खाना ले नाश्ता लेते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेकफास्ट बोलते हैं। सारे बच्चे बिना स्पीकर ऑन किए बोलेंगे, बोलिए ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट। ओके चलिए अब हमें बताएंगे अमृत दोस्मी, जो खाना हम दिन में खाते हैं दोपहर में आफ्टरनून में उसको क्या बोलते हैं? दोपहर में जो खाते हो लंच, वेरी गुड। अमृतोष्णी के लिए ताली। जो खाना हम दिन में खाते हैं आफ्टरनून में खाते हैं उसको बेटा हम लंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंच। शुभ्रकांता सीधे बैठ जाओ, उसको हम लंच बोलते हैं। अब शुभ्रकांता बताएगा। शुभ्रा, शुभ्रा माइक ऑन करो बेटा, शुभ्रा माइक ऑन करो। यस मैम, शुभ्रा माइक ऑन करो। प्रेमराज का माइक क्यों ऑन है? यस मैम, प्रेमराज का माइक क्यों ऑन है? मैंने शुभ्रा को बोला है। शुभ्रकांता, मैं आपका नाम पुकार रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? माइक ऑन करिए शुभ्रकांता, शुभ्रकांता माइक ऑन करिए। यस मैम। हाँ अभी हमने बच्चों से पूछा, दिव्या ने बताया कि जो हम सुबह नाश्ता खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। फिर अमृतोष्मी ने बताया कि जो दोपहर में खाना खाते हैं उसको लंच बोलते हैं। अब आप ये बताइए कि हम जो रात में खाना खाते हैं फैमिली के साथ बैठ के उसको क्या बोलते हैं? डिनर। वेरी गुड, वेरी गुड शुभ्रकांता। हम जो रात में खाना खाते हैं उसको बोलते हैं डिनर। शाबाश, ये सारे बच्चों को याद होना चाहिए। अच्छा एक होता है जंक फूड, जो आप बच्चों को बहुत पसंद होता है, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, पेस्ट्री, नूडल्स, मैगी, मम्मी मैं तो यही खाऊंगा, तो क्या हमें वो खाना ज्यादा खाना चाहिए? खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? कभी कभी खा लो, महीने में एक बार दो बार, इससे ज्यादा हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, वो हमारे पेट को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ज्यादा जंक फूड नहीं खाना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अच्छी हैबिट्स होती है खाना खाते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन बताएगा? अनिकेत, अनिकेत खाना खाते आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है हम तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम पूछेंगे, ध्यान देना चाहिए। अंशिका राजोरा आपका माइक ठीक हो चुका है क्या? अंशिका राजोरा माइक ऑन करिए।
माइक ऑन करिए, हमें खाना हमें खाना खाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अंशिता बताइए? खाने का और पीने का। खाना खाते टाइम बोलो, आपको खाना खाने से पहले मम्मी आपको कुछ बोलती है? बोलो, हैंड वॉश। खाना खाने से पहले हाथ धोना, खाना खाने के बाद हाथ धोना, बोलती है ना? सब लोग सुनेंगे, खाली अंशिका को नहीं बोल रही हूँ मैं। ये खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हाथों को साफ अच्छे से धोना चाहिए। रिश्वत वॉश वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। अंशिका माइक ऑफ कर दीजिए। इसके अलावा हमें अपने खाने को ऐसे ऐसे आवाज करके नहीं खाना चाहिए, तमीज से खाना चाहिए, अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए, ठीक है? खाना खाते वक्त ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, ठीक है? और साफ सुथरा ताजा खाना खाना चाहिए। 4 दिन पुराना बासी खाना खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है? ताजा खाना खाना चाहिए और खाने के टाइम पे खाना चाहिए। ये नहीं कि मम्मी तो बुला रही, बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले, बेटा बोल रहा है अरे मम्मा मेरे अभी खेल लू, तो खाने का टाइम ही खत्म हो गया। ब्रेकफास्ट का टाइम पे लंच कर रहे हैं, लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डिनर के टाइम पे कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस खाने का जब टाइम है उसी टाइम पे खाना खाना चाहिए। समझ में आया सबको? चलिए आप नोटबुक निकाल लीजिए, कुछ लिख पाऊंगी चुपचाप से, आपको वो लिखना है कॉपी में। कॉपी निकाल लो, ऊपर हेडिंग डालो, लेसन 7। नंबर 1, अभी हमने बहुत सारे फूड पढ़े, तो बॉडी बिल्डिंग फूड वो हम 2 लिखेंगे। 2 बॉडी बिल्डिंग फूड, किस किस से बॉडी बनती है? पहला है एग, दूसरा है मिल्क, लिख लो, मीट भी लिख सकते हो। मेरे साथ साथ लिखेंगे, बाद में मैं रुकूंगी नहीं किसी के लिए। एनर्जी गिविंग फूड, किस फूड से एनर्जी मिलती है? मैंने अभी बताया था आपको, शुगर, शक्कर और पोटेटो, आलू खा लो एकदम एनर्जी आ जाएगी आपको, उसमें स्टार्च होता है। दिखी है मैम? पीछे से नहीं दिख रहा। सब दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये लो, अब देखो पूरा दिखाई दिया, कंप्लीट फूड किसको बोलते हैं? अभी बताया मैंने, कंप्लीट फूड किसको बोलते हैं? मिल्क को, इसलिए हमें रोज दूध पीना चाहिए। मिल्क कंप्लीट फूड है। मैडम कैमरे लाइट साइज कर लीजिए। अब कोई बीच में बोलेगा नहीं, इन्होंने क्लास से बाहर निकाल दूंगी मैं। बीच में कोई माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलना है, ये लिखिए बस। जब आपको बोलने को बोलती हूँ, मौका देती हूँ, तब तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। अब जब मैं लिखवा रही हूँ तो आप बीच में कुछ भी बोल रहे हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से हमें कौन से फूड मिलते हैं? बहुत सारे मिलते हैं, पर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। एक तो एग मिलता है, एक तो हमें मिल्क भी मिलता है, फिश भी लिख सकते हैं, ठीक है? आप अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हो अगर आपको लिखना है तो।
मॉर्निंग में जो हम खाना खाते हैं, जैसा कि बच्चों ने बताया था, उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। अब ब्रेकफास्ट की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, मैंने लिखा दी है, ये ब्रेकफास्ट की स्पेलिंग लर्न कर लेना। आफ्टरनून में जो हम खाना खाते हैं, दोपहर में, दिन में, आफ्टरनून में जो हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं लंच, एल यू एन सी एच, लंच, उसकी स्पेलिंग है एल यू एन सी एच, लंच। रात को जो हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं डिनर, रात को जो हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं डिनर। जंक फूड क्या होता है? जंक फूड होता है पिज्जा, बर्गर, पास्ता, कुछ भी लिख सकते हो। आप लोग ऊपर क्या लिख लो, फिर मैं कैमरे को थोड़ा नीचा कर दूंगी तो आपको नीचे का भी नजर आएगा। पहले आप 5 तक लिख लीजिए, फिर मैं नीचे कर दूंगी 10। टोटल 10 पॉइंट्स है। टोटल कितने पॉइंट्स है? 10 पॉइंट्स है। बॉडी बिल्डिंग फूड हमने 2 लिखे हैं, कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड है? एग और मिल्क। एनर्जी गिविंग फूड हमने फिर से 2 लिखे हैं, कौन से हैं? शुगर एंड पोटेटो। फिर कंप्लीट फूड किसको बोलते हैं? कंप्लीट फूड मिल्क को बोलते हैं। एग्जाम में आएगा तो आपको याद होना चाहिए कंप्लीट फूड किसको बोलते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से हमें कौन सा कौन सा फूड मिलता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है? ईग, एग, मीट, मिल्क, आपको पता ही है। फूड इटन इन द मॉर्निंग, जो खाना हम सुबह खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। फूड इटन इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में जो खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लंच। फिर फूड इधर एट नाइट, रात को तो हम खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिनर। फिर जंक फूड, जंक फूड क्या होता है? पिज्जा, बर्गर, पास्ता, नूडल्स, ये सारा। तो मैंने 2 चीजें लिखी है। और लास्ट में है टू गुड फूड हैबिट्स, 2 अच्छी हैबिट्स बताइए खाना खाने की। पहला मैंने लिखा है वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना है। दूसरा मैंने लिखा है चू योर फूड प्रॉपरली, अपने खाने को अच्छी तरह से चबाना है। ठीक है, चलिए करिए।
अभी करेंगे प्रति कैमरा को राइट साइड, दूसरों का भी कंप्लीट होने दो। मैंने आपके ग्रुप में भेज दिया है, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखो, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में ये बोर्ड का पिक्चर लेके आप वहां से भी देख सकते हो। प्रतीक आपने व्हाट्सएप पर चेक कर लिया? प्रतीक 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 यस मैम व्हाट्सएप में आ गया बेटा आपके पास? हाँ ओके कर लो अब। राइटिंग अच्छी लिखेंगे, सिंगल सिंगल जमा जमा के, और स्पेलिंग की मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। और जिसको इसके नीचे का नहीं दिख रहा है, 6-7 के नीचे का नहीं दिख रहा है बोर्ड पे, तो मैंने आपको व्हाट्सएप में भेज दिया है, व्हाट्सएप में देखो 8-9-10 टोटल 10 है। कितने हैं टोटल? टू योर फिंगर्स कितने हैं टोटल? 10। हाँ 10 पॉइंट है, ये सब आपको लिखने भी है और याद भी करने हैं। अच्छे से लिख लो। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर आपका काम नहीं हुआ है तो आप व्हाट्सएप पे देख के भी काम कर सकते हो। 3-4 मिनट बाकी है, उससे ज्यादा भी आ चुका है, ठीक है? तो आपका काम अगर हो जाता है तो भी फ्री होता है तो आप व्हाट्सएप पे देख के कर लीजिएगा। कौन सा नंबर लिख रहे हो?
सेवन नंबर वेरी गुड वेरी गुड देवती सिक्स नंबर नाइन वेरी गुड ओके अनमोल सिक्स नंबर अनमोल सिक्स नंबर ओके श्रेयांश श्रेयांश तो आधे डायग्राम को देख रहा है कंप्लीटेड मैम वेरी गुड कंप्लीट कर लिया आपको पढ़ो बैठ के एग्जाम में अभी आपका भी एग्जाम होने वाला है एग्जाम में आएगा सब कुछ ओके मायरा ने कितना कर लिया मायरा सिक्स नंबर कौन से नंबर पे बता एट वेरी गुड वेरी गुड अमृतोष्टी अच्छे से लर्न करना है।